मानसून स्टार्ट हो चुकी है एंड ऐसे में कुछ ना कुछ चटपटा तो हमें चाहिए होगा। जब शाम के टाइम में बारिश होती है तो चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने का दिल ज़रूर से करता है, तो बार और बनाने की झंझट ही आप ख़त्म कर दो। चलिए आज ट्राई करते हैं मेरे साथ मुरमुरा नमकीन बनाना। बहुत सिंपल है एंड इसका टेस्ट रियली में बहुत अमेजिंग है, तो चलिए ना स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं इसे बना रही हूँ मस्टर्ड ऑयल के साथ में। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऐड किया है 3 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल, आप चाहो तो कोई दूसरा तेल भी यूज़ कर सकते हो। एंड जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच इतना राय और साथ में 1/2 छोटा चम्मच इतना ज़ीरा एंड 1/2 छोटा चम्मच ऐड करी हूँ क्रश किया हुआ साबुत धनिया एंड सेम क्वांटिटी में ऐड करी हूँ क्रश किया हुआ सौंफ। चारों चीज से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा तो आप स्किप बिल्कुल मत करना। और यहाँ पर ऐड करी हूँ 2 से 3 पिंच इतना हींग, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इससे। एंड नेक्स्ट ऐड करी हूँ 3 बड़ा चम्मच इतना मूंगफली। तो मूंगफली को बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे, अप्रॉक्स 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। सो एक बार आप इस तरीके से मुरमुरा नमकीन बनाओ, आप इसे पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हो एंड इसका टेस्ट आपको बहुत 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 पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो 80% के आसपास मैंने यहाँ पर मूंगफली को भून लिया है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड करेंगी। सो नेक्स्ट अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है 10 से 12 के आसपास गार्लिक क्लोव, जिसे कि मैंने बीच से कट कर दिया है एंड आप चाहो तो यहाँ पर गार्लिक का स्किप भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, जैसे कि मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा कट किया है और साथ में ऐड करी हूँ किशमिश और साथ में मैंने यहाँ पर ऐड किया लंबा लंबा कटा हुआ सूखा नारियल और मखाना। एंड आप चाहो तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं आप उसे स्किप कर सकते हो। तो वापस से सभी चीज़ों को भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो देख सकती हो सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल चुकी है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइसेस। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच इतना लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और साथ में 1/2 छोटा चम्मच इतना ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, बहुत अच्छा सा कलर आएगा नमकीन में। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच इतना काला नमक एंड सेम क्वांटिटी में सफ़ेद नमक। एंड नेक्स्ट ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच इतना आमचूर पाउडर, आप चाहो तो चाट मसाला का भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में मैंने यहाँ पर ऐड किया करी लिप्स, आप क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। सो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जितना भी मसाला है वो ड्राई फ्रूट में अच्छे से कोट हो जाए। एंड यहाँ पर लुक देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है हमारी नमकीन का। सो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मुरमुरा, जैसे कि मैं फरी खाती हूँ, आप क्या खाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। तो मैंने यहाँ पर लिया 200 ग्राम एंड इसे भी अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे अप्रॉक्स 1 से 1.5 मिनट के लिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है मुरमुरा में हल्का फल्का नमी होता है, तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए भून लेना, सारा नमी खत्म हो जाएगा एंड जो मुरमुरा बिल्कुल क्रंची तैयार होगा। सो सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। सो लास्ट अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमकीन बूंदी और साथ में ही मिक्सचर, तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड आप चाहो तो कुछ और ऐड कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। एंड फाइनली हमारा मुरमुरा नमकीन बिल्कुल तैयार है, आप इसे टी या फिर कॉफ़ी के साथ शाम में एंजॉय करो जब बारिश होता है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा चटपटा है, सो मे बी फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सो रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना एंड रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हो नेक्स्ट टाइम ऐसे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।